आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। प्राइम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ मेरी सहयोगी नंदिनी यादव है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अपना दूसरा बजट पेश किया। सरकार ने इस बजट के जरिए युवाओं, महिलाओं, किसानों और कामगारों को साधने की कोशिश की है। चुनावी राह आसान करने के लिए सड़क सेतुओं के निर्माण समेत बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। तो नंदिनी, क्या लगता है कि इस आम बजट से प्रदेश की कितनी तस्वीर बदलेगी? जी मयूरी, बिल्कुल, जिस तरीके से आज आम बजट पेश हुआ है, 2023 और 24 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये आम बजट पेश किया गया है। वहीं पर हर वर्ग को साधने की कोशिश भी की गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार का लगातार कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ावा देना, जोर देना, क्योंकि रोजगार उससे बढ़ते हैं, तो उसी को ध्यान में रखकर सभी वर्ग के लिए कुछ ना कुछ इस बजट में दिया गया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं इमरान लतीफ और भाजपा प्रवक्ता दिवाकर सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं भुवन भास्कर। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता दिवाकर सिंह का रुख करूंगी। दिवाकर जी, आज योगी सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है और इस बजट से हर एक तबके को, हर एक वर्ग को उम्मीद थी, तो क्या लग रहा है योगी सरकार उनकी उम्मीदों पर कितना खरी उतरेगी? मुझे अपने प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी के इस बजट के, जो आज बजट का भाषण माननीय वित्त मंत्री जी ने रखा है, इस पे सबके साथ, सबके विकास संभाव के हिसाब से सारे बजट की परिकल्पना की गई है। और 1 ट्रिलियन इकोनॉमी अपनी जो करने की व्यवस्था थी, उसको पूरा इन्होंने वहाँ तक पहुँचने की पूरी कोशिश की है। सबसे बड़ी बात आपको इस बजट में है कि कोई भी कोना, कोई भी जनता से संबंधित कोना, चाहे ग्लोबल समिट रही है, चाहे जो भी बात रही, चाहे पर्यटन से रहे हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर रहा हो, स्टार्टअप रहा हो, चाहे रोड का, रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड हैं उनका रहा हो, कोई भी अछूता नहीं है। कौशल विकास का रहा है, मातृत्व लाभ है, गर्भवती बहनों माताओं की समुचित व्यवस्था की गई है, हॉस्पिटल की व्यवस्था की, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुल, हर मंडल में, हर जिले में खुलने जा रहे हैं, तो कोई सी क्षेत्र अछूता नहीं है। एयर स्ट्रिप की जहाँ तक बात है, जहाँ कितने एयरोड्रम बन गए और एयर पट्टियाँ बन गई हैं, जहाँ से इंटरनेशनल उड़ानें शुरू हो जाएंगी, इसका भी, कनेक्टिविटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। माघ मेला को देखते हुए रोडवेज को इन्होंने 1,000 करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की है कि कोई असुविधा ना हो श्रद्धालुओं को, इस पर भी छोटी सी छोटी चीज़ें, जैसे माघ मेला आने वाला हो तो उसकी भाई, उसका भी महाराज जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ध्यान रखा है, कहीं कोई असुविधा किसी को किसी अंश से ना हो। चाहे रुक लेते हैं सपा की तरफ, किस तरीके से देख रहे हैं अमृतकाल का पहला बजट पेश किया गया है, भुवन जी? देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है, उसमें हमें जो पिछला बजट था हम लोग पा रहे थे, उसमें जो कि इन्होंने 26 मई को 2022 को रखा, उसमें 23 वित्त वर्ष के लिए योगी सरकार ने 6,15,000 करोड़ का भारी भरकम बजट पेश किया था। और इसके अलावा एक अनुपूरक बजट और इन्होंने 33,000 करोड़ रुपए का पास किया था, उसका अब तक कोई हिसाब नहीं। 22-23 के कुल बजट 6,49,000 करोड़ का था। सरकार ये बताए कि उस बजट को कहां कहां खर्च किया गया और कितनी नई विकास की योजना जमीन पर उतारी। एक अखबार की खबर के अनुसार सरकार ने पिछले बजट का सिर्फ 50% ही खर्च किया, किसी विभाग में सरकार का पूरा बजट खर्च नहीं कर पाई। जब सरकार ने जनहित के लिए कोई प्रमुख योजना नहीं बनाई तो भला खर्चा कहां से करेंगे। जब योगी प्रदेश सरकार में बजट का ही 50% खर्च नहीं कर पाई तो निवेश के नाम पर लाखों करोड़ लाने के दावे कर रहे हैं, उन्हें कहीं खर्च करते हुए दिखाएंगे? डबल इंजन वाली भाजपा सरकार की ही केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को 3 वर्षों से जीएसटी का बकाया का भुगतान नहीं किया है।
और प्रमुख विभाग जो पिछले बजट की स्थिति और उनका हाल मैं आपको बताना चाहता हूं। लोक निर्माण विभाग का जो बजट था वो 27,470 करोड़ रुपए का था और खर्च इसमें से केवल नाममात्र 7,517 करोड़ रुपए हो पाए। ग्राम विकास का बजट 28,146 करोड़ था जिसका खर्चा केवल 14,099 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज चिकित्सा, इसका बजट 44,387 करोड़ था और इसका खर्चा केवल 21,676 करोड़ कर पाए। ऊर्जा का बजट 54,420 करोड़ रुपए था जिसमें केवल 32,893 रुपए करोड़ खर्च हो पाए। और गृह विभाग जो पुलिस जिसके अंतर्गत आता है उसका बजट 33,426 करोड़ रुपया था, 19,843 करोड़ रुपए खर्च हो पाए। पंचायती राज जिसका बजट 16,378 करोड़ था उसमें 8,641 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। और इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण योजना नमामि गंगे थी जिसका बजट 21,329 करोड़ था लेकिन उसमें केवल 9,619 करोड़ रुपए खर्च कर पाए। बजट सिंचाई विभाग का 13,734 करोड़ था और खर्च केवल 3,065 करोड़ कर पाए। कृषि का बजट इनका 7,140 करोड़ था, 3,110 करोड़ खर्च कर पाए। पशुपालन का बजट 25,075 करोड़ था और खर्च केवल 1,296 करोड़ खर्च पाए। लूंगी लेकिन उससे पहले हमारे साथ आप प्रवक्ता इमरान जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास एक बार रुक करूंगी, बजट को लेकर एक टिप्पणी आपसे लूंगी इमरान जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पिछले बजट में वादे किए गए थे और जो इस बजट में तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, इन दोनों को अगर ध्यान में रखा जाए तो बजट के संदर्भ में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कहां तो तय था चलागा कहां चला शहर के लिए। तो ये हालत है बजट की, चाहे छोटी योजनाओं की बात करें चाहे बड़ी योजनाओं की बात करें, पिछले बजट में जो पैसे आवंटित किए गए थे वो कहां खर्च किए गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाने वाली पार्टी बन गई है। इनको जनता के बुनियादी जरूरतों से कोई मतलब नहीं है, इनको प्रदेश के विकास से कोई मतलब नहीं है। अभी मैं एक एक करके जो पिछले बजट में तमाम प्रावधान किए गए थे और कहां कितना खर्च हुआ, कौन सी चीजें अधूरी रह गई हैं, कितना काम इन्होंने किया। अभी चिकित्सा का जो बजट है, पिछला जो बजट आवंटित हुआ था अगर सब सारे सेक्टर्स को हम इंक्लूड करके चलें तो 50% तक भी सरकार खर्च नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि जिस विकास 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 की बात बार बार उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार करती है, जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग जो है उसमें 30% भी नहीं खर्च कर पाया पिछले बजट का। क्या विकास किया, इस बात से बिल्कुल साफ समझा जा सकता है कि कहीं पर भी विकास की दिशा में प्रदेश आगे नहीं बढ़ रहा है, सरकार विकास कार्यों के लिए कहीं पर भी मुस्तैद नहीं दिख रही। इस वजह से जितना पैसा आवंटित किया गया था उसका 30% भी खर्च कर पाने में सरकार असमर्थ नजर आई। अभी आप छोटी छोटी योजनाओं की बात करेंगे जो पिछले बजट की अगर आप चर्चा करें, क्योंकि अभी ये जब पूरा बजट आ जाता है तो उसके बाद फिर आप देखेंगे किस तरीके से सिर्फ वायदे किए गए और किस तरह से लोकलुभान बातें की जा रही हैं। हमें पूछना चाहता हूं, होली फिर से आ रही है, पिछले बजट पे वादा हुआ था गरीब लोगों से कि हर होली और दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा, कितने लोगों को सिलेंडर मुफ्त में मिला होली और दिवाली पर, किसी को नहीं मिला, कहां गई वो योजना। आज फिर से दूसरी होली आपके सर पे आ खड़ी हुई है, 2 हफ्ते बाद होली का जश्न हम लोग मनाएंगे लेकिन किसी को सिलेंडर मुफ्त में नहीं मिला। जो टैबलेट और स्मार्टफोन बांटने की बात थी, अभी कितने बच्चों को मिल पाया, कितने प्रतिशत लोगों को मिल पाया, तो आप देखेंगे 30-40% लोगों को हाथ से हाथ मिल पाया है। तो इसी तरीके से एक योजना ये लेकर आए थे संपूर्ण परिवार सर्वेक्षण योजना, वो कहाँ पर है, अधर में लटकी हुई है। आप देखेंगे पुरोहित कल्याण बोर्ड के लिए बड़ी बड़ी बातें की गई थी, जिस पैटर्न पर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती, योगी आदित्यनाथ जी करते हैं, कहाँ है पुरोहित कल्याण बोर्ड की जमीनी हकीकत का है, कहां तक बात पहुंची। तो आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी का खेल चल रहा है। सफाई कर्मियों की मौत पर 10 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात हुई थी पिछले बजट में, अगर एक सफाई कर्मी को 1 रुपए इन्होंने दिया हो तो आप बता दें, वो योजना अभी भी अधर में लटकी हुई है। आप देखिए जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं
उनके लिए अकेडमी के गठन की बात हुई थी, केशव दास, तुलसीदास और सुदास अकेडमी की बात हुई थी, अभी ये योजनाएं भी अधर में लटकी हुई है। ये छोटे छोटे जहां 50 लाख का खर्च है, 2 करोड़ का खर्च है, 50 करोड़ का खर्च है, वहां पर सरकार अभी कुछ नहीं कर पाई है। चिकित्सा के क्षेत्र में शिक्षक, मैं दिवाकर जी का रुख करूंगी। दिवाकर जी, लगातार भुवन जी भी सवाल उठा रहे हैं और आप प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं कि सरकार ने खर्चा नहीं किया है, जनहित के लिए कोई योजना नहीं बनाई है, जनता की बुनियादी जरूरतों का कोई ख्याल नहीं रखा है। अभी बजट पेश कर दिया गया है, इससे पहले बजट पेश किया गया था, उसमें तमाम तरह की कमी बता रहे हैं, जो चीज अधूरी रह गई है, अब बजट पेश कर दिया गया है, जनता कैसे उम्मीद लगाए फिर से? मयूरी जी प्रवक्ता हैं, पार्टी के हैं, इनको कमी निकालनी है, दूर से बैठ के तमाशा देखना होता है और जो संग गोता लगाता है उसमें अंतर होता है। एक कहावत हम लोगों को बचपन से पढ़ाई जाती है, जिन डूबा तिन पाइयाँ गहरे पानी पैठ, मैं बेचारा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। तो किनारे बैठ करके ऐसी चर्चाएँ करना, सब में कमियाँ निकालना इनकी, बताइए शिक्षा क्षेत्र में कहाँ नहीं हुआ, शिक्षा क्षेत्र में क्या नहीं सुधार हुआ है? जितने भी आश्रम पद्धति विद्यालय खुले हैं उसमें किसके बच्चे लाभान्वित होंगे? गरीब तबके के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की जो बात हुई है, मेडिकल कॉलेज हर जिले में खुलने जा रहे हैं। आपके समय में कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज, 800 की जगह 8000 मेडिकल कॉलेज MBBS डॉक्टर रोज निकल रहे हैं। आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, कितने यूनिवर्सिटी आपने बनाया था? इस समय हर मंडल में यूनिवर्सिटी बनाने की महाराज जी की योजना है। गरीब से लेकर के हर गरीब मजदूर का ध्यान रखा, बनटांगिया जो हमारे हम जोगी जी महाराज की विशेष योजना, जो वनों में निवास करते थे उनके लिए आवास बनाया गया है। और हम तो बात नहीं कर, स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता में नेफेड के द्वारा हर गांव में जगह जगह कौन सा कूड़ा कलेक्शन हो रहा है, कौन सा कूड़ा कहाँ रखा जाएगा, इस तरह गाँव गाँव व्यवस्थाएँ हो गई हैं। गाँव गाँव में हमारे सफाई कर्मी जो अब बात कर रहे हैं उनके लिए आकस्मिक निधि है। और महाराज जोगी जी के द्वारा आज आपके यहाँ मेडिकल अनुदान लेने में कितनी समस्याएँ होती थी, कितने सोर्स लगाने पड़ते थे हम गरीब जो परिवार था, मेडिकल का जो इलाज कराना था गंभीर बीमारियों के लिए। दिवाकर जी, आज ऑनलाइन, एक मिनट, ऑनलाइन आप करिए, किसी सोर्स की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे त्वरित रूप से जिस संस्थान का एस्टिमेट उस संस्थान में पैसा पहुंच जा रहा है। तो ये सब योजनाएं आपको दिखाई नहीं दे रहे, शिक्षा की बात करेंगे, मेडिकल की बात कर रहे हैं आपको, कृषि में क्या नहीं हो रहा है? आप चीनी मिल में कब तक कितना बकाया था, कितना इन्होंने चीनी मिल का बकाया पूरा कर, चीनी मिले जब तक किसान का गन्ना है तब तक चीनी मिले चल रही हैं, ये चीनी मिले बीच में नहीं बन रहे, किसान गन्ना खेत में सूख जा आग लगा दें किसान खेतों में, ऐसी बातें नहीं। उपज पूरी खरीदी जा रही है, ऐसा नहीं कि कोई चाहे रजिस्ट्रेशन, यहाँ तक सरकार ने सुविधा लास्ट में दे देती है कि न रजिस्ट्रेशन है उसके बाद भी किसी का अनाज, किसी का खरीद सरकारी क्रय केंद्र पर करने की व्यवस्था बना रखी है सरकार ने, जो ऑनलाइन सारी व्यवस्थाएं हैं, इसमें भ्रष्टाचार की कोई बू तक नहीं है। आप में मैं नहीं कहूँगा, मैं पिछली सरकार के लिए नहीं कहूँ, पिछले भी हमारी सरकार थी उससे भी सुधारात्मक काम कर रही है। आपने बोर्ड की बात की, माटी कला बोर्ड किसने बनाया, जो एक और गमारा छूता था किन्नर समाज, उसका बोर्ड किसने बनाया, इस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। अछूता वर्ग जो था उसको किसने अधिकार दिया, आप इस लोक कलाकारों के बारे में किसने सोचा, जितने तीर्थ स्थल थे उनका विकास किस कौन सी सरकार कर रही है, शाकंभरी से लेकर के चित्रकूट धाम तक का, आपके नैमिषारण्य से लेकर के अयोध्या धाम तक का, ये सब विश्व के मानचित्र पे आने वाले हैं। अब जो है भारत केवल एक जगह आगरा से नहीं देखा जाएगा, अयोध्या से भी देखा जाएगा, चित्रकूट से भी देखा जाएगा, और ऐसी व्यवस्था सरकार कर रही है, ना कोई भूखा रहेगा, ना इलाज के अभाव में किसी के जाएगा। इमरान जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इमरान जी बोलिए। देखिए अभी दिवाकर जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, इन्होंने किसानी की बात करी और गन्ना किसान आज भी धरने पर बैठे हुए हैं, गन्ना का मूल्य नहीं निर्धारित कर पाए हैं ये, और बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं। ये तो अच्छा किसान, आप सुन तो लीजिए दिवाकर जी, मैं शांति से आप शांति से मैं आपको सुन रहा था, धैर्य रखिए, आप सुन लीजिए, मैं सवाल कर लूं फिर जवाब दीजिएगा, बीच में मैं भी टोक सकता था लेकिन ये स्वस्थ बहस नहीं हो पाएगी इस तरीके से। अभी इन्होंने खेती किसानी का जिक्र किया, पशुपालन के लिए पिछली बार 2575 करोड़ रुपए इन्होंने बजट में रखा था और खर्च कितना किया आज तक, इन्होंने 1296 करोड़ खर्च किया। आप बताइए कितना काम किया, ये इनका आंकड़ा बता रहे, हमारा आंकड़ा नहीं है मयूरी जी, आपका आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा इन्हीं की सरकार का, जितना बजट लेकर आए थे जितना इन्होंने खर्च किया है,
सिंचाई के लिए 13,754 करोड़ रुपए लेकर आए थे और खर्च कितना किया, 3,065 करोड़, 1/4 हिस्सा भी नहीं खर्च किया किसानों की सिंचाई के पानी के इंतजाम के लिए। तो कुल मिलाकर ये साफ दिख रहा है, चिकित्सा क्षेत्र की बात कर रहे थे, चिकित्सा के क्षेत्र में 44,000 करोड़ रुपए इन्होंने आवंटित किया था, खर्च कितना किया, 21,000 करोड़ खर्च किए, ये इनका आंकड़ा मैं बता रहा हूं। अब इसकी वजह से दुर्गति क्या हो रही है ये देख लीजिए, ये जिन सरकारी अस्पतालों की बात कर रहे हैं उन सरकारी अस्पतालों के अंदर वेंटिलेटर नहीं मिल रहा है, जो मरीज है वो बाहर दम तोड़ दे रहे हैं। आप अगर इंटीरियर के जिलों में चले जाएं, जिला अस्पतालों की क्या हालत है, किसी से निपा नहीं है, वहां पर एक्सरे मशीनें खराब मिलती हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं होती है, दवा की पर्ची लिखी जाती है, बाहर से दवाएं खरीदी जाती है, दवाएं नहीं मुहैया करा पा रहे हैं अपने जिला अस्पतालों के अंदर। कारण यही है कि जितना बजट ये आवंटित करते हैं वो बजट ये पूरा खर्च नहीं कर पाते, और जो खर्च करते हैं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये अभी मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे थे, बड़ी अच्छी बात है आपने मेडिकल कॉलेज खोले हैं, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज में कितने टीचिंग स्टाफ आए इसका जिक्र दे दें, बताएं क्या हालत उन मेडिकल कॉलेज की, हमको बता दें कि जो दूसरे दूसरे जिलों के अंदर जो मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, जो नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं उनके अंदर किस तरह की व्यवस्थाएं इन्होंने दी हैं। तो खाली बिल्डिंग खड़ा कर देने का नाम मेडिकल कॉलेज नहीं होता है, उसमें सुविधाएं देनी पड़ती हैं, उसमें स्टाफ का इंतजाम करना पड़ता है, वहां अभी हर जगह टोटा है, कहीं पे कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर जिन जिन मुद्दों पर मैंने इनसे सवाल किया, एक सवाल का जवाब इन्होंने मुझे नहीं दिया। पुरोहित कल्याण बोर्ड की मैंने बात की, क्यों नहीं जुबान खुल रही है, अरे भाई साधु संतों के हितों की बात तो भारतीय जनता पार्टी करती थी, पिछले बजट में आप अपने चुनाव के दरमियान भी आप उसको मुद्दा बनाते थे पुरोहित कल्याण बोर्ड को, और अभी तक आप उसका सही तरीके से गठन करके क्रियान्वयन नहीं कर पाए। होली पे पिछली बार आपने बात किया था सिलेंडर देने के लिए, कहां है सिलेंडर? फिर इसके बाद आ जाए सपा के पास। मुझे आप प्रवक्ता महोदय से कहना है, इमरान भाई से, कि बड़ी अच्छी परंपरा ये होगी कि हम बीच में ना बोलें, अच्छी बात है, हम इस बात से सहमत भी हैं, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्शनेबल होता है तो थोड़ा सा ऑब्जेक्शनेबल वर्ड के प्रति इशारा करना पड़ता है कि थोड़ा सा इस पर आप सही वक्तव्य रखें, ये हमारी भी ड्यूटी होती है। ठीक है, आपकी बात से हम सहमत हैं, आप किस विकास की बात, आपको कौन सी विकास की बात नहीं दिखाई दे रही है? अरे भाई हमारी सरकार है निष्पक्ष ढंग से चल रही है, जो पढ़ रहे हैं आंकड़े सरकार ने छिपाया नहीं, अगर उसने कहा मैं इतने खर्च कर पाया तो सरकार ने वो बता दिया कि मैं इतने खर्च कर पाया आगे खर्च करूंगा। व्यवस्थाओं में परिवर्तन लाना बड़ी जिम्मेदार, सुचितापूर्वक परिवर्तन लाना, जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको सुधारते हुए महाराज जी ने निष्पक्षतापूर्ण प्रदेश सरकार को बीमारू राज से विकसित राज्य की श्रेणी में ला दिया, आज भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ा इकोनॉमी का प्रदेश बनने जा रहा है, जो करीब करीब बन चुका है, सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं जिनको अब किसी प्रकार की डर नहीं है, कोई भय नहीं, इन्वेस्टर्स को चाहिए सुरक्षा और संरक्षा, महाराज जी ने सुरक्षा संरक्षा पूरा इन्वेस्टर के दिमाग में बैठ गया कि उत्तर प्रदेश से बढ़िया इन्वेस्ट करने का प्रदेश का माहौल कहीं नहीं है, इस बात को आप नहीं देख रहे हैं, जहां पहले इन्वेस्टर्स आते थे बंद करके चले जाते थे, आपने कहा ठीक है 100% आपकी बात से मैं हूं कि 100% नहीं उतरा, जो समिट हुई 100% नहीं उतरे, लेकिन क्रियान्वयन हो रहा है महोदय, इसको भी देखिए, विकास की दर बढ़ रही है, कैसे कर रहे हैं आप, आज हर गरीब को हर सरकार में इतना बड़ा अनुदान उनके खाते में जा रहा है, किसान स्वस्थ मानसिकता से अपनी किसानी कर रहा है, और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो अनाज मुहैया कराया गया है उसको उन्होंने बढ़ा दिया कि कोई भी भूखा न रहे, इसका ध्यान रखते हुए कोरोना काल से और आज तक अनवरत अनवरत चल रहा है, मिड डे मील स्कूलों में बन रही है, टाइम टेबल से बन रही है, केवल कागज में नहीं बन रही है, और आप जा करके भाई साहब किसी भी स्कूल में मिड डे मील चख लीजिए, वो आपके खाने लायक रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आपके खाने लायक नहीं है, वही अध्यापक भी खाते हैं चखते हैं, और क्या स्वस्थ परंपरा हो गई है, हर स्कूलों में प्राइमरी से लेकर के बड़े स्कूलों में गवर्नमेंट के स्कूलों में जहाँ गर्मी में बच्चे बेहाल रहते, आज पंखा और टेबल की व्यवस्था हो गई है, घर से चटाई लेके नहीं आना पड़ रहा है, और सारी सुविधाएं कितनी आप चाह रहे हैं भाई, कितनी चाह रहे हैं निष्पक्षतापूर्वक, आज सरकारी स्कूलों में प्राइवेट कॉलेजों से जा करके लड़के सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिए। इमरान जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले भुवन जी का रुख करूंगी। भुवन जी, सदन में आपने तमाम मुद्दे उठाए, आज सरकार ने अपना बजट पेश किया, तो क्या लगता है उसकी झलक बजट में देखने को मिली है या सारे मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया? जी भुवन जी, एक सवाल मेरा भी है जो कि चर्चा का विषय बना रहा, काले कुर्ते के बारे में, काले शेरवानी के बारे में जरूर बताइएगा।
देखिए पहले तो मैं इनकी बात का जवाब दे दूं, जो आज का जो बजट है वो केवल इनकी जो जिसमें इनकी महारत हासिल है ये आंकड़ों की बाजीगरी पर ध्यान देते हैं, और जो इनके जो मूल प्रश्न है आज के, जैसे आपकी महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों की स्थिति का, जैसे कि हमारे साथी ने भी जिक्र किया, हम भी लगातार उठाते रहते हैं, जो इन्होंने वादा करा था कि किसानों की आय दुगनी हो गई, लेकिन किसानों की हालत ये कि उसका जो सम्मान है वो भी गायब है। आप लगा लीजिए किस तरह की भाषा का प्रयोग ये किसान नेताओं के लिए, किसानों के लिए करते थे। आंदोलन में हम लोगों ने देखा किस प्रकार उन पर फर्जी मुकदमे लगा लिए गए और कैसे उनकी हत्याएं कर देते हैं, और उसके लिए बाहर के लोगों की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके पुत्र निकल पड़ते अपनी थार को लेकर। तो ये तो किसानों के प्रति इनका व्यवहार है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो सब जवाब दिखाए थे कि होली और दिवाली पे हम लोग सिलेंडर देंगे, उसका क्या स्थिति है, वो धरातल पे अब तक पिछली दिवाली तो चली गई, अब होली भी आ गई है, देखते हैं कि सिलेंडर हमारी मातृशक्ति को देते हैं कि नहीं देते, पहले तो दिया नहीं दिवाली पे। और अब आ जाइए दूसरा विषय, उन्होंने कहा था कि युवाओं को लैपटॉप देंगे, जो सबसे ज्यादा लैपटॉप देने का काम अगर किसी सरकार ने करा था तो हमारे नेता विकास पुरुष माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने करा था, जो कि युवाओं का रोजगार का सृजन का भी एक कारण बना इस कोरोना काल में, लैपटॉप जो हमने बांटे थे। तो निश्चित तौर पे सरकार जो है हवाई बातें करती है, और हमें लगता नहीं कि पिछली बार जब अपना बजट जो मोटा मोटा 50% किसी भी डिपार्टमेंट में खर्च नहीं कर पाई, और तो निश्चित तौर पे लगता है कि सरकार के हवा हवाई है और जादुई जो आंकड़ा है अब की बाजीगिरी करने में ये लोग महारत हासिल है, वो उसी को खेल करने का इन्होंने प्रयास करा है। और दूसरा, अभी आदरणीय जो एंकर साहिबा पूछ रही थी, मैं उनके जवाब देने बोलता हूँ, यहाँ पर हम लोग भारत का जो स्वरूप है उसमें विश्वास करते हैं कि यह अनेकता में एकता का प्रतीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग एक दूसरे के त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे के जो वेशभूषा उसका आदर करते हैं। इसी के तहत आज माननीय अखिलेश यादव जी भी जो आज आपने कहा है कि वेशभूषा का उदाहरण कहा है कि हम लोग अनेकता में एकता को मानते हैं और सभी वेशभूषाओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। जी मैं दिवाकर जी का रुख करूंगी। दिवाकर जी, भुवन जी तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं, किसान को लेकर, सिलेंडर को लेकर, तमाम चीज को लेकर, इसको लेकर आपकी एक टिप्पणी लेना चाहूंगी। देखिए, हमारी सरकार जो वादा करती है उसको पूरा करती है और निष्पक्षता के साथ करती है। इनका जो आंकड़ा ही बता रहे हैं, यह सरकार है कि अपने आंकड़े को छिपाती नहीं है, जो काम किया उसको उन्होंने प्रदर्शित किया। और सरकारों में तो आंकड़े छिपाए जाते थे, आंकड़ा का बाजीगरी होती थी, और हमारी सरकार बजट बनाती है और जो खर्च हुआ उसको स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता के सामने रखा कि ये बजट था और इतना मैं खर्च कर पाया हूँ, शेष आगे की कार्रवाई हो रही है। हमारी सरकार ऐसे कोई लिपापोती का काम नहीं करती है, स्वच्छ मानसिकता के साथ सरकार चल रही है। उठा करके आप जो बोल रहे हैं, हमारी सरकार के आंकड़े बोल रहे हैं, सरकार ने बताया कि इतना था बजट, इतना हमने खर्च कर पाया, तो इसमें आपको कौन सी तकलीफ हो रही है भाई? बजट तंत्र चल सरकारी तंत्र से अधिक कार्य कराया जाना है, वो सरकारी तंत्र को कार्य कराया जा रहा है। जहां तक पीडब्ल्यूडी की आपने बात कही, कोई भी सरकार अपने पीडब्ल्यूडी के चीफ को, चीफ क्या हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, एचओडी को नहीं काम करने के कारण हटा दिया और दूसरे को लाया, जो निष्क्रियता के साथ काम करते हैं उनकी जगह दूसरे को लाए। और भी बातें जो मैं नहीं कर रहा हूं, उनको पेनाल्टी भी देना पड़ा, रिटायरमेंट के बाद पेनाल्टी भी उनसे वसूली जा रही है कि आपने क्यों नहीं किया। तो सरकार किसी को बख्शती नहीं है। जहां तक आपने थार का नाम लिया, आप लोगों का एक जुमला हो गया है हर जगह थार का नाम लिया, सरकार अपना काम कर रही है, चाहे कोई भी होगा कानून के दायरे में आएगा, कानून अपना काम करेगी। प्रवक्ता सपा महोदय आप सुन लीजिए, कानून अपना काम करेगी। लिस्ट नहीं जाती है, नाम नहीं बताया जाता है, आपका ब्लॉक का अध्यक्ष नहीं देखता है कि एफआईआर क्या होगी। ये सरकार पूर्ण रूपेण जनता के प्रति ईमानदार और जनता का काम कर रही है। इसमें सरकार ने एफआईआर की, कोर्ट में मामला है, कोर्ट जैसा निर्णय लेगी वैसी कार्रवाई सरकार करेगी। आपने उन्नाव की घटना को मैं कई बार का चुनाव देख लिए हैं, आप कितने विधायकों की विधायकी चली गई और दोषी सिद्ध किए गए तो ये नहीं देखा गया कि ये किस दल के हैं, जिनको कोर्ट ने सजा दी उनकी विधायकी गई, वहां चुनाव हुआ। ये सब आप क्यों नहीं स्वच्छतापूर्ण देखिए, कितनी स्वच्छता के साथ सरकार चल रही है। किसी को समाज में बांटने का काम आप लोग करते हैं, आप लोग सुन लीजिए, हम बताएंगे आपके जवाब सुन, बांटने का काम आप अपनी काली सदरी को किस रूप में प्रयोग कर रहे हैं, किस रूप से कर रहे हैं, भाईचारा सहानुभूति कौन मना कर रहा है भाई? आप भी जनेऊ पहनिए, आप भी टीका लगाइए, आप भी मंदिर जाइए, आप भी जहां जाना हो जाइए, जो भी पूजा करनी करिए, कहां रोक है? यही तो एक सरकार है सर्वधर्म सर्वभाव की,
आप जाइए ना, कुछ कहना चाह रहे हैं, आप कुछ कहेंगे और इशारा हम नहीं समझेंगे। आप काली सदरी का तरीका कुछ बताएंगे और इशारा हम नहीं समझेंगे काली कोट का। ठीक है, हम भी समझ रहे हैं विरोध प्रदर्शन होना चाहिए। हम कहाँ कहते हैं विपक्ष की भूमिका नकारात्मक, हम तो चाहते हैं विपक्ष की भूमिका सकारात्मक हो, प्रदेश को आगे बढ़ने का काम करे, प्रदेश की प्रगति में आप सहायक बने। आप भी अपनी बात रखें, सरकार ये नहीं करती कि आपको इतना बजट दिया गया, इस विधायक को इतना दिया गया, ये बिजली इस विधायक क्षेत्र में जाएगी, इस मंत्री क्षेत्र में नहीं जाएगी। आपके यहाँ समानता थी बिजली की, बिजली केवल आप बता दीजिए, किसी को 18 घंटे, किसी को 24 घंटे, किसी को 6 घंटे, कहाँ है आपकी स्वच्छतापूर्ण जिलों के इंटीरियर जिलों की आप बात करें। मैं इंटीरियर जिला आजमगढ़ से आता हूँ, बता दीजिए आजमगढ़ में इसके पहले क्या था, अपराध की नगरी कही जाती थी, आज विकास की नगरी कही जाती है। दिनेश लाल निरहुआ जैसे सांसद हैं, इमरान जी मैं आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले भुवन जी के पास चलती हूं। भुवन जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए ये सरकार किस पर, जरा शांत हो जाइए भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर साथी से कहना चाहता हूँ, मैं इनको बताना चाहता हूँ। आज ही एक आपने पूरे सोशल मीडिया में भी चल रहा है, चैनलों में भी चल रहा है, जो जो लोक गायक है या लोक गायिका है सरकार की चाटुकारिता करते हैं, उनको तो ये पसंद है, लेकिन जो इनसे प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन लोगों को नोटिस भेजने का काम सरकार कर रही है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न उठाए हैं कानपुर की घटना पर, जिसमें आपने देखा पूरे देश और प्रदेश शर्मिंदा हो गया कि डीएम साहिबा नृत्य के तरह तरह के आपके पास प्रूफ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे सोशलता है, आपके गलत आरोपों पे हम जवाब देंगे भाई। सोशल मीडिया में जाइए, सोशल मीडिया क्या क्या लगा देगा, सोशल मीडिया खबर को आप ऑथेंटिक खबर मानेंगे? सुन तो लीजिए, नहीं कैसे सुन ले भाई, डीएम साहब जहाँ घटना होगी डीएम साहब डांस करेंगे। आप लोग कितनी ओछी मानसिकता के हैं, वो भी हमारी बहनों के लिए। आप इसी ऐसे ठीक है, आप आरोप लगाते रहे, हम सुनते रहे, गाली का प्रदेश बनाएंगे, गाली प्रदेश हम लोग सुनते रहेंगे, गालियां देते रहिए आप लोग, उसमें क्या कहना है? ऐसे बातें बनेगी, ऐसे बातें बनेगी। आप सुनिए, हमने आपको बहुत धैर्य से सुना है, हम भी आपकी बहुत सारी बातों से इत्तिफाक नहीं रखते थे, लेकिन आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, इसलिए आपको सुन रहे थे। हम और आम आदमी पार्टी के लोग, हम आपकी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन सुन रहे थे, अपनी सभ्यता का परिचय दे रहे थे, आशा आप भी अपनी सभ्यता का परिचय देंगे, एक विषय। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ, उन लोक गायिका नेहा राठौर जी को योगी सरकार के द्वारा नोटिस दे दिया गया है, क्योंकि उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछने का काम करा कानपुर की घटना पर। और मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जो उसकी एफआईआर मैंने देखी है, उसमें जो सरकारी कर्मचारियों के है, मैं कानून का विद्यार्थी उनको बताना चाहता हूँ, उसमें उनके जो पिताओं का नाम है वो अज्ञात के नाम से एफआईआर करी है इन लोगों ने। क्या सरकारी कर्मचारियों का नाम उसमें सरकार के पास उपलब्ध नहीं होता? सरकार किस दिशा में काम कर रही है दिखाई दे रहा है, और कह रहे एक गरीब के घर के लिए इतना। और एक हमारे कहावत है, मैम आप सुनिएगा ध्यान से, अगर पड़ोस में कभी आपके चोरी हो जाए तो खुश मत होइएगा, क्योंकि अगला नंबर आपका है। जब तक एक जाति विशेष पे, एक धर्म विशेष पे बुलडोजर चल रहा था, तब तक कुछ लोग खुश थे, लेकिन अब ये बुलडोजर योगी जी का गरीब आदमियों पर चल पड़ा है, और ये रुकने वाले नहीं है, और कोई अब ये नंबर सबका आएगा, किसी का आगे किसी का पीछे। इमरान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, एक बार उनका रुख करूंगी मैं। देखिए, जिन सवालों के साथ मैंने अपनी बात शुरू की थी जी, मेरे किसी सवाल का जवाब दिवाकर साहब ने नहीं दिया, लेकिन इन्होंने उसके बदले में मुझसे सवाल किए, उनका जवाब मैं देता हूं। इन्होंने कहा आप क्या चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में क्या हो जाए, मिड डे मील तो मिल रहा है। तो मैं अपने सम्मानित साथी को बताना चाहता हूं कि हमारे गांव गरीब के बच्चे सिर्फ मिड डे मील खाने के लिए स्कूल में नहीं जाते हैं, उनको वहां पर किताबें चाहिए होती हैं, उनको वहां पर ड्रेस चाहिए होता है, जूते मोजे चाहिए होते हैं, वहां पर उनको पढ़ाई चाहिए होती है, टीचर चाहिए होते हैं, अध्यापक चाहिए होते हैं। क्या है वहां की स्थिति, आप बता पाएंगे क्या रेशियो है? आज अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तरफ नजर उठाकर जाके देखें गांव के अंदर, तो एक से लेकर कक्षा 5 तक का स्कूल है, लेकिन अगर अध्यापक देखेंगे तो कुल 2 अध्यापक हैं। बताइए कौन सा चमत्कार करते हैं अध्यापक साथी बेचारे, वहां पर 2 अध्यापक मिलके 5 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कैसी पढ़ाई होती होगी आप भी जानते हैं। और 1100 रुपए जो आप अकाउंट में देते हैं अभिभावकों के, उसमें
क्या बस्ता भी आ जाएगा, जूता मोजा भी आ जाएगा, ड्रेस भी आ जाएगा, आप चल के दिला देंगे मार्केट के अंदर। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये प्रोपोगेंडा करना जानते हैं, ये आंकड़ेबाजी करना जानते हैं। इतने लाख करोड़ का बजट लेकर आए, इतना हजार करोड़ रुपए यहाँ के लिए लाए, अभी मैंने बताई जमीनी के खर्च करने की जमीनी हकीकत क्या है वो भी आप देख लीजिए, और जमीन पर अगर आप पहुंचेंगे वहां पर क्या स्थिति है उसको भी देख लीजिए। अभी कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, कह रहे थे इन्वेस्टर्स आएंगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आएंगे। ये बताइए, राजधानी लखनऊ से 100 किलोमीटर की दूरी पर एक गरीब की झोपड़ी को आप बुलडोजर से गिरा देंगे, आग लगाकर उसमें दो लोगों की जान भी आप ले लेंगे, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स आएंगे। चलिए इमरान जी, जवाब दे दीजिए दिवाकर जी से। दिवाकर जी आखिरी बाजी बता रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आप महोदय के पर्टिकुलर स्कूल की व्यवस्था भी उन्होंने उठाया है, जाके अध्ययन कर लें, वहाँ मास्टर साहब भी लोग हैं और जा भी रहे हैं, केवल पोस्टिंग नहीं है, जा भी रहे हैं और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं। बता दीजिए ना दिवाकर भाई जी, आप इन्हें कहा था बीच में नहीं बोलना है तो मैं बता, अरे सवाल को आंकड़ा बता दीजिए, मैंने आंकड़ा पूछा, आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। आंकड़ा तो आप लेके बैठ, सरकार ने तो आंकड़ा बता दिया, उसमें मुझे क्या बोलना है यार, आंकड़ा के बारे में तो सरकार ने बता दिया कि मैं इतना बजट किया था, इतना खर्च कर पाया और बाकी कार्य हो रहा है। कितने कितने एक अध्यापक पर कितने स्टूडेंट की पढ़ाई हो रही है, अरे आप कितने कितने कक्षाओं के हिसाब से कितने अध्यापक, ये बता दीजिए, मैं आंकड़ा पूछ रहा हूं। आपके समय तो एकल विद्यालय पे एकल विद्यालय में एक अध्यापक रहते, और आज के समय में जाकर दिल्ली के अंदर देखिए पूरी दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है शिक्षा व्यवस्था की। अब सुन लीजिए, हमारे सरकारी स्कूलों की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है, जितने स्कूल हमने बनाए हैं सुनेंगे, आप हमारी तुलना नहीं कर पाएंगे, आप हमारी तुलना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम नहीं, मैं बिल्कुल बोलूंगा नहीं, जब आप बीच में नहीं बोलने की कसम खाए थे तो क्यों बोल रहे हैं भाई, तो हम बिल्कुल नहीं, हम चुप रहता था, सवाल करेंगे हम आपसे जो सवाल कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, दो मौका मैंने आपको दिया, आपने दोनों बार में हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। चलिए एक एक करके सवाल जवाब कर लेते हैं, चलिए लिख करके कर लिया जाएगा, व्यक्तिगत पत्राचार कर लिया जाएगा आपका, हो जाएगा सवाल का जवाब, इस चैनल पर बैठे हैं सब, पूरी जनता देख रही है, इसके जवाब मुझे देने दीजिए। आज एक जो आपने विद्यालय की बात की, अपग्रेड प्राइमरी के विद्यालय भी इंग्लिश मीडियम करके पढ़ाई की जा रही है और अपग्रेड किए जा रहे हैं, आप जाके जमीन पर हकीकत देखिए ना, केवल यहाँ बैठ के मत देखिए, गांव में जाइए, मैं गांव से आता हूँ, अरे मैं गांव से हूँ, सुन लीजिए, मैं गांव से सुन लीजिए, और जहां तक हमारे बच्चों की बात है, 100 मीटर की दूरी पर सुन लीजिए, बच्चों की जो बात है, बच्चे जिस संख्या में आते हैं उस हिसाब से अध्यापक की नियुक्ति की जाती है। देखिए कुछ चीजें प्रैक्टिकली देखी जाती है, आंकड़ों से नहीं देखी जाती है, और जो ड्रेस की बात आपने किया इसमें भ्रष्टाचार के नाम, उस विधा का नाम बता दीजिए, अरे भाई सुनेंगे, कैसे एक अध्यापक बात करें, कक्षाओं को पढ़ाता है कि स्कूल के अंदर, सुन लीजिए, एक अध्यापक क्या सुनेंगे, वो अपनी सुचिता दिखा रहे थे और बोल रहे हैं बीच में, मुझे तो बड़ा भारी कमेंट किया आपके बीच में नहीं बोलना चाहिए, मुझे संस्कार सिखा रहे थे और आप चुप होने का नाम ले रहे हैं। आराम से आप एक एक बात रखिए, चर्चा करने बैठे हैं, चर्चा करने बैठे हैं आप, चर्चा करिए, और इमरान जी सुन लीजिए, आप बेसिकली आपने विद्यालय पे जो बात की है, शिक्षा का स्तर उठा है कि नहीं उठा है, आप गांव के प्राइमरी स्कूल अपग्रेड होकर के मिडिल स्कूल होते हुए हाई स्कूल तक हर ब्लॉक में दो दो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये बताइए, शिक्षा का बिल्डिंगे बनी है कि नहीं बनी है, कुर्सी मेज लगा है कि नहीं लगा है, पंखा लगा है कि नहीं लगा है, सारी सुविधाएं दी जा रही है, इसके पढ़ाई के साथ साथ उनके भोजन उच्च क्वालिटी के भोजन की व्यवस्था सरकार ने किया है, ये आपको पच नहीं रहा। जहां ड्रेस की बात कर रहे हैं, जहां भ्रष्टाचार लूट होती थी ड्रेस में, क्या आप पैमाना देते थे, आज जब आपके खाते में जाता है और एक समान ड्रेस की जो व्यवस्था निर्धारित की गई है, सब बच्चे कॉन्वेंट स्कूल जैसे ड्रेस में जा रहे हैं स्कूल में, और जो आपने शिक्षा की बात की, किसान की बात की, आपको कहने को कुछ नहीं है, केवल इल्जाम लगाने में आप लोग माहिर हैं, इल्जाम लगा करना तो है नहीं, न दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे कुछ करने को मिलेगा, इसलिए सरकार चल रही, सरकार का सहयोग करिए। दिवाकर जी, थोड़ी थोड़ी वक्त की कमी है हमारे पास, मैं इमरान जी का जवाब ले लेती हूँ। देखिए इन्होंने हमारे किसी सवाल का फिर जवाब नहीं दिया, मैंने पूछा था कि होली के सिलेंडर कब मिलेंगे, क्या यार छोटे छोटे सिलेंडर मैंने फ्री तो दे दिया ना,
फ्री सिलेंडर हर घर में दे दिया कि नहीं दे दिया, तो उसकी भी चिंता मत करिए, उसकी भी चिंता मत करिए। घर घर फ्री सिलेंडर दे दिया कि नहीं दे दिया, चूल्हा दे दिया कि नहीं दे दिया, आप बताइए दे दिया कि नहीं दिया, आपने क्या किया? और सिलेंडर हम मांग रहे हैं, सरकार ने अगर वादा किया तो सरकार निश्चित, सरकार ने वादा किया है तो सरकार अपना वादा निभाना जानती है। इंतजार करिए, इंतजार करिए, इंतजार करिए सरकार का, सरकार का। अरे आप छोटी बात, हमने सिलेंडर पहुंचा दिया, गैस की चिंता आप कर, सिलेंडर तो देना देना है, सरकार ने वादा किया तो फ्री दे ही रही है सिलेंडर और गैस भी दे रही है, कहां आप बैठे हुए हैं? आप झोपड़ी में सर होके आइए तब ना पता चलेगा है कि नहीं सिलेंडर, जहां धुआं से बीमारियां आ जाती है, आंख खराब हो जाती थी, आज कितना खुशहाल हमारी माताएं बहने हैं। क्या आप बात करेंगे, आप क्या बात करेंगे? आप जो सरकार चला रहे हैं, आप जहाँ सरकार चला रहे हैं, आप फ्री के नाम पे सरकार चला रहे हैं, अपना अपना बैलेंस आप नहीं देख रहे हैं, फ्री की व्यवस्था जो आप कर रहे हैं, रेवड़ी बांटने की आप रेवड़ी व्यवस्था चलाइए, आप अपने यहाँ चलाइए, सरकार हमारी जो चल रही है उस सरकार का समर्थन करिए। ठीक है, हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बता दें योगी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है और इस बजट में हर एक वर्ग हर एक तबके को साधने की कोशिश की है, चुनाव भी नजदीक है उसको देखते हुए हर एक वर्ग को साधने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ, नमस्कार।